हे गाइस, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अच्छे से मनाइए। उसके बाद आते हैं आज के हमारे इस लेक्चर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पे, द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसका मतलब से आप समझ रहे हो कि पहले अंग्रेज़ लोग जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो सबसे पहले तो ट्रेड करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। एंड देन उन्होंने टेरिटरी स्थापित कर ली, देन उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया और उसके बाद कंपनी रूल चालू कर दिया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल तब चालू हुआ था। तो इस चैप्टर में हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है। अब लाइन बाय लाइन हम इस चीज़ को समझेंगे है क्या एक्चुअल में। औरंगजेब वॉज द लास्ट, तो औरंगजेब हम सभी जानते हैं आखिरी पावरफुल मुगल रूलर था, और उसने काफ़ी हद तक इंडिया पे अपना राज जमा रखा था। पूरे इंडिया पे उसका राज तो चल ही रहा था, साथ के साथ आसपास के इलाकों में भी उसका राज चलता था। लेकिन उसकी डेथ के बाद 1707 में काफ़ी सारे मुगल गवर्नर, जैसे सूबेदार जो होते हैं या बड़े ज़मींदार, उन्होंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी दिखानी स्टार्ट कर दी और अपनी छोटी छोटी किंगडम्स बना ली। और उसके बाद जैसे ही ये पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो थी, वो काफ़ी सारे पार्ट्स में जब फैलती गई इंडिया के, तो दिल्ली एक इफेक्टिव सेंटर फिर नहीं रहा। मतलब पहले तो दिल्ली एक सेंटर था ना, एक राजधानी टाइप काम करता था, लेकिन फिर बाद में क्योंकि हर स्टेट अपना, मतलब हर छोटी छोटी प्रोविंस अपना पावर दिखाने लग गई, तो दिल्ली वॉज नो लॉन्गर एन इफेक्टिव सेंटर। ठीक है, तो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी का जैसे जैसे ख़त्म होने लगा, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी का मतलब यानी कि 1750 के बाद करीब करीब, हाउ एवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजोन। तो जो राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर वहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की एक तरह से आप कह सकते हो ओरिजिन हुआ वहाँ पर, उत्पत्ति हुई। और फिर हुआ क्या, उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। तो ये एक औरंगजेब की जफर और उसके बेटे को अरेस्ट करते हुए तस्वीर है। कैप्टन ने हॉडसन अरेस्ट कर रहे हैं उनको, तो क्योंकि वो कमज़ोर पड़ चुके थे बेसिकली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1600 शताब्दी में, मतलब 1600 ईस्वी में हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उन्होंने बेसिकली इंग्लैंड के रूलर से इजाज़त ली, जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, और उन्होंने क्या कहा कि आप जाइए और ट्रेड कीजिए ईस्ट के साथ, ईस्ट यानी कि हमारा इलाका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ आए वो ईस्ट इंडिया, यहाँ आए और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई। ठीक है, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग लैंड्स। वो चाहती थी कि लैंड्स के आस मतलब ओशन के आसपास के हम लैंड्स पे जाएं और अपना वहाँ का जो भी सामान है उसे चीप प्राइस पे हम बाय करें और उसको अपने साथ यूरोप ले जाएं, वहाँ पर जाके हाई प्राइसेस पे बेचे। ठीक है, तो ये उनका मेन उद्देश्य था। तो हुआ क्या, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो उनको कोई डर नहीं था बाकी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज से, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज। तो उस टाइम पे मर्सेंटाइल जो ट्रेडिंग कंपनीज तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना रही थी, और प्राइमरीली वो अगर हम कॉम्पिटिशन को हटा दें तो वो काफ़ी चीज़ें ईजीली, मतलब चीप चीज़ें खरीद के और बहुत महंगे दामों पे बेच रही थी। डियर का मतलब महंगा होता है। सो बेसिकली यहाँ पे मर्चेंटाइल का आपको मतलब पता है, मर्चेंटाइल होता क्या है, जैसे मर्चेंटाइज होती है उसी तरह का, कि एक तरह की बिजनेस एंटरप्राइज है, कंपनी जो कि अपना प्रॉफिट के लिए चीज़ों को खरीदती है। ठीक है, और मतलब चीप दामों पे और उसको हाई प्राइस पे बेचती है, यही होता है मर्चेंटाइल का मतलब। ठीक है, तो हुआ क्या, फिर यही जो आपको जो मैंने अभी बताया ये चीज़, द रॉयल चार्टर, ये जो रॉयल चार्टर आया था इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन पावर्स भी इनके साथ आई, बाकी यूरोपियन पावर जैसे कि फ्रेंच कॉलोनी आई, फिर पोर्तुगीज भी आए थे, मतलब वो तो पहले ही आ गए थे बेसिकली। तो उन्होंने ईस्टर्न मार्केट्स में आना स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहली जो इंग्लिश शिप थी वो कहाँ पर आई, वो आई वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि वेस्ट के तट पे आई थी अफ्रीका के, राउंड द केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप वहाँ पर एक एक तरह का एरिया आप कह सकते हो, उस जगह को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो वहाँ पर आई थी वो, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। फिर उन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस किया, जहाँ पर पोर्तुगीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके थे अपना, एक तरह से आप कह सकते हो अपनी मार्केट गोवा में। ठीक है, इनफैक्ट इट वॉज वास्को द गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द दिस सी रूट, दिस सी रूट
हाँ इन इंडिया इन 1498, 1498 में वो आ चुके थे वास्को द गामा, ठीक है। तो अर्ली 17th सेंचुरी में हुआ क्या, डच भी वहाँ पर आ गए, ठीक है, एंड देन फ्रेंच ट्रेडर्स भी वहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने सबने अपनी अपनी कॉलोनीज बसा ली। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में हुआ क्या, इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही मतलब सबको एक तरह से पीछे छोड़ दिया, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला और इंडिया को गुलाम बना लिया। अब द प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड। तो उन्होंने क्या क्या कि प्रॉब्लम ये थी कि सबके सब कंपनी सेम ही चीज़ खरीदना चाहती थी, सेम ही रॉ मटेरियल खरीदना चाहती थी। तो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और सिल्क जो कि इंडिया में मिलता था, तो और उसकी बड़ी मार्केट थी यूरोप में। तो पेपर, क्लोव्स, पेपर यानी कि वही जो आपकी मिर्च होती है, क्लोव्स, लौंग और कार्डेमम और सिनेमम, ऐसी ये सारे जो मसाले थे ये काफ़ी डिमांड में थे वहाँ। और ये इंडिया में आपको अगर पता ना हो तो केरला साइड जो भी है मतलब साउथ इंडिया का जो रीज़न है वो मसालों के लिए बहुत फेमस है, तो मसाले वहाँ पे भरपूर मिलते हैं। तो वहाँ तो इस वजह से यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिशन चल रहा था कि कौन इन चीज़ों को मतलब बेसिकली खरीदे, ठीक है। एंड दिस रिड्यूस, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उनका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया। अब सीधी सी बात है ना, अगर मोनोपली अगर नहीं होगी किसी भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज़ के 1000 खरीदार हैं तो और चीज़ एक ही है, तो होगा क्या कि वो बंदा जो बेच रहा है वो चीज़ तो उसका दाम हाई कर देगा, ताकि एक तरह से बोली टाइप हो जाएगी ना कि जो मुझे ज़्यादा देगा मैं उसको वो चीज़ दे दूंगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पर कॉम्पिटिशन होने लगा। द अर्थ टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेट टू, फिर तो उनके बीच में फिर इस तरीके से कुछ लड़ाइयाँ भी हुई ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। और 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भी ये चीज़ें हुई थी। दे रेगुलरली सैंक और एक दूसरे की शिप्स को डुबा देना, ब्लॉकेटेड रूट्स, उन रूट्स को ब्लॉक कर देना, और राइवल शिप्स को सप्लाई ही ना पहुंचाने देना, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जैसे किसी ने कुछ खरीद भी लिया तो भी उसको ना पहुंचने देना, कुछ ऐसी चीज़ें थी। फिर गोलियों से लड़ाई, मतलब किले के अंदर, किले में अपने आप को कैद कर लेना, बेसिकली किला बना लेना, फोर्टिफिकेशन कर लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो वो करते थे आपस में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो हुगली रिवर के किनारे पे बसी थी, 1651 में बसी थी। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच कंपनी के ट्रेडर्स ने जहाँ से काम करना स्टार्ट किया, नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड द सो बेसिकली हुआ क्या, द फैक्टर हैड अ वेयर हाउस। तो उनके पास एक वेयर हाउस था जहाँ पर गुड्स जो था वो एक्सपोर्ट के लिए स्टोर किया जाता, ताकि वहाँ से वो एक्सपोर्ट किया जा सके टू द ब्रिटिश मार्केट, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद उनके काफ़ी ऑफिसेस थे जहाँ पर ऑफिशियल्स बैठते थे। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे कंपनी ने क्या किया, उन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को और ज़्यादा काम पे लगा दिया, और बेसिकली उनको सेटल भी करा दिया कहाँ पर, फैक्ट्री के आसपास उनको रहने के लिए घर दे दिया वगैरह वगैरह चीज़ें। और फिर उसके बाद 1696 में उन्होंने एक फोर्ट बना दिया, किला बना दिया। और 2 साल बाद उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देनी, रिश्वत भी दी ताकि वो कंपनी को ज़मींदारी राइट्स दे सके 3 विलेजेस के। तो 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट उनको मिल गए। देन उसमें से एक कलिकाता था, और जिसका नाम बाद में कैलकाटा और फिर आप आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इट ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब, और मुगल एम्परर औरंगजेब को एक और काम करने पे इसने मजबूर कर दिया, टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फिर उसके बाद उन्होंने उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का भी राइट दे दिया, यानी कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फारमैन की डेफिनेशन ये एक रॉयल एडिक्ट होता है या फिर एक रॉयल ऑर्डर उन्होंने जारी किया, किसने, औरंगजेब ने। तो द कंपनी ट्राइड, तो बेसिकली ब्राइब की वजह से ये सब काम हुए थे। अपने ही देश में लूटमारी है, मतलब अपने ही देश में करप्शन है, तो दूसरा तो आके लूटेगा ही, ये सिंपल सा इसका मेन रीज़न था। द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब फारमैन फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी। तो हुआ क्या, यही चीज़ें चलती रही, ड्यूटी फ्री ट्रेड करते रहे, और फिर उसके बाद प्राइवेट ट्रेड ऑन द अदर साइड, हाँ प्राइवेट ट्रेड भी चलती रही जिसपे ड्यूटी पे की जाती थी। तो कंपनी की ड्यूटी अलग थी और उनकी मतलब उनका काम अलग था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, तो उसके बाद उन्होंने उसको भी पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया, कॉजिंग एन, और उसके वजह से हुआ क्या, बंगाल में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया रेवेन्यू का। और नवाब बंगाल जो थे मुशीर कुली खान,
वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है। तो ये मतलब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव ने मैं एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं कर पाए होंगे वो। तो बेसिकली रीजंस क्या रहे होंगे, यही रीजंस रहे होंगे कि भाई या तो हो सकता है वो लड़ाई से बचना चाहते हो, या उनकी कोई पावर की कमी रही हो। तो ऐसी काफ़ी सारे रीजंस, आपको जो रीज़न लगे आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, तो जो ट्रेड था उसकी वजह से लड़ाई कैसे हुई। तो लड़ाई मैं सिंपली आपको बता चुका हूँ, और भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, तो लड़ाई हुई कैसे एक्चुअल में। तो इस अर्ली 18th सेंचुरी में, जो मतलब 18वीं शताब्दी की जो स्टार्टिंग हुई थी, तो उस कंपनी और नवाब सब बंगाल के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध टाइप हो गया था। और औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के जो नवाब थे उनको उनकी पावर से और उनकी ऑटोनॉमी यानी कि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो भी छीनने लग गई थी। तो रीजनल पावर्स, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, मुर्शिद कुली खान के बाद आए थे अली वर्दी खान, एंड और उसके बाद आए थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला काफ़ी फेमस नवाब थे बंगाल के, और वो सभी स्ट्रांग थे बेसिकली। आप सबके नाम पढ़ोगे, सबके बारे में पढ़ोगे, सारे स्ट्रांग थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और उनका उन्होंने कंपनी का जो कंसेशन था उनको उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम आपका एक प्रस्ताव ग्रांट नहीं कर सकते। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और जाने से उनको रोकने की कोशिश भी की कि आप यहाँ पर ट्रेड तो करोगे लेकिन हमारे हिसाब से करोगे। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। तो बेसिकली इस वजह से उनको लगा कि भाई कंपनी धोखा दे रही है उनको, तो इसकी वजह से बंगाल का जो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा घट रहा है, तो अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी। और इसकी वजह से आप हमारी मतलब नवाब ऑफ बंगाल की अथॉरिटी को भी आप अंडरमाइन कर रहे हो, मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। टैक्सेस वो पे टैक्स पे नहीं कर रहे थे, डिसरेस्पेक्ट टू लेटर लिख रहे थे, और बेसिकली ह्यूमिलेट करने की मतलब मजाक उड़ा रहे थे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे नवाब और उनके ऑफिशियल्स को। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द, तो कंपनी ने अपनी तरफ से क्या डिक्लेयर किया कि भाई ये अनजस्ट, ये अनजस्टिफाइड, ये गलत डिमांड है इनकी ऑफ द लोकल ऑफिशियल, जो भी ये ऑफिशियल मांग रहे हैं, वर रूनिंग द ट्रेड, और ये हमारे कंपनी का ट्रेड भी रून कर रहे हैं। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली ड्यूटी हटाई जाएंगे तभी ट्रेड आगे बढ़ पाएगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा। और इट वॉज ऑल्सो कन्विंस डैट टू एक्सपेंड ट्रेड, और ये भी बता दिया गया था कि अगर ट्रेड एक्सपेंड करना है इट हैड टू ला एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, और सेटलमेंट्स को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सेटलमेंट्स का मतलब कि आपस में जो हमारा जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो भी लेन देन का मामला है, उसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, और हमारा रेवेन्यू तो बढ़ाना ही पड़ेगा, हमें अपना मतलब एरिया बढ़ाना ही पड़ेगा अपना। बेसिकली ब्रिटिशर्स को ये था, मतलब कंपनी को ये था, बाय अप विलेजेस, उन्हें विलेजेस खरीदने पड़ेंगे और दोबारा से फोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कन्फ्लिक्ट थे, इनकी वजह से ही कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो बार बार उनके बीच में मतभेद या लड़ाई हो रही थी, मुठभेड़ मतलब आमने सामने वाली, तो उसके बाद ये फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस, और उसके बाद ये मतलब बदल गया बैटल ऑफ प्लासी में। जो भी कन्फ्रंटेशन उनके बीच में हो रही थी, आपस में वाद विवाद चल रहा था, ये फाइनली इसने किसका रूप ले लिया, बैटल ऑफ प्लासी का। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, तो बैटल ऑफ प्लासी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगले इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे इस चैप्टर के कि क्या क्या बैटल प्लासी थी, बैटल ऑफ प्लासी थी और आगे की चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर।